कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन सभी के लिए मुसीबत बनकर सामने आया है। झारखंड सरकार जिन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकी, उनको सामाजिक संगठन के लोगों ने आगे बढ़कर सहारा दिया है और लॉकडाउन में उनकी जिंदगी के खेवनहार बने। लॉकडाउन में इन बंजारों के समक्ष खाने और रहने का संकट था। इन बंजारों के समक्ष कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो मुखर संवाद इनकी आवाज़ बनकर जनता के बीच गया। मुखर संवाद के आह्वान पर रांची के समाजसेवी खुलकर इनकी मदद के लिए सामने आए। मध्य प्रदेश के इन बंजारों की झारखंड सरकार तो सहायता नहीं कर पाई, लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों के लोगों ने उनको न केवल आश्रय ही दिया बल्कि उनको घर तक पहुँचाने की भी जिम्मेवारी उठाई। राजधानी रांची में 7 परिवारों के 35 बंजारों को समाजसेवियों ने लॉकडाउन में न केवल खाने की व्यवस्था की बल्कि उनको रहने के लिए आशियाना भी दिया। राजधानी रांची के सामाजिक कार्यकर्ता सतीश सिन्हा ने अपने होटल में ही बंजारों के परिवारों के लिए रहने की व्यवस्था कर दी, तो वहीं पंजाबी बिरादरी के लोगों ने उनके खाने की मुकम्मल इंतजाम किए। और जैसा अभी उनने हमको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत व्यवस्था किया, कोई हमारे को खाने पीने में कमी। इन बंजारों ने रांची के सांसद और विधायक तक मीडिया के जरिए अपनी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी इनकी नहीं सुनी। संकट के इस दौर में इन बंजारों को रोटी और मकान की व्यवस्था सामाजिक संगठन के लोगों ने कर दी। वहीं लॉकडाउन की अवधि लंबी होने के कारण ये बंजारे अपने आसियाने यानी अपने घर भोपाल जाना चाहते थे। काफ़ी समझाने के बावजूद ये बंजारे जब नहीं माने तो सामाजिक संस्था के लोगों ने उनको घर तक पहुंचाने के लिए न केवल पास बनवाया बल्कि बस की भी व्यवस्था कर डाली। कि इन लोग 21 मार्च से हमारे यहाँ अचानक रात के समय में थे, उस समय से ठहरे हुए थे। लॉकडाउन लंबा हो जाने की वजह से इन लोग लगातार यहाँ थे। हमने कई लोगों से व्यवस्था करा करके इन लोगों की खाने पीने की व्यवस्था किया रहा। अन्य पंजाबी लोग का भी जो संस्था था उससे और कुछ व्यक्तिगत थाना इंचार्ज ने भी इन लोगों को मदद किया। सारे लोग मिलाकर के किसी तरह हम लोग अतिथि देव भव की इस दृष्टि से हम लोगों ने लगातार इन लोगों का सेवा किया। जो भी हो सका हम लोगों ने इनको मदद किया और आज अंततः हम लोग इसको पास बनवा करके सब चीज़ व्यवस्थित करके आज इनको अपने हाथ। बस की व्यवस्था किस तरह से? बस की व्यवस्था इस तरह से हुआ कि बस की व्यवस्था का समन्वय बनाने के लिए संजीव विजयवर्गीय आगे आए और उन्होंने DC से बात किया। DC सरकार ने कहा कि हमारी ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम बस का खर्च दे सकते। फिर कुछ हम लोगों ने आम लोग मिला करके और कुछ उनसे भी मदद ले करके इसको करके एक व्यवस्था हम लोगों ने खड़ा किया और कहा कि भाई आप आगे अपने गंतव्य की ओर जाइए। इस तरह से हम लोग अब ये बंजारे जब अपने घर जाने लगे तो काफ़ी बेहद खुश दिख रहे हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे भी रांची के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रांची के लोगों बेसहारों पर ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहना। आपने हमारा मदद किया गरीब लोगों को, आप ही हमारे माता पिता हो भैया गरीब लोगों के। तुमने भी बहुत सहायता किया भैया, फोटो खींच खींच के पेपर भी मैंने भी भेजा, समतूर भेजा, तुमने भी बहुत व्यवस्था किया हमारा। बहुत अच्छा काम किया जी, रांची वाला सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार वाले आदमी ने भी बहुत अच्छा किया, पूरे आदमी ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत धन्यवाद हो झारखंड सरकार ने हमारा बहुत मदद किया। सभी ग्राम वासियों ने हमारा बहुत मदद किया भाई। घर जा रहे हो? हमको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, दादी से मिल रहे हैं, बहुत खुशी है सर। दादी से मिलने जा रहा है, घर जा रहा है अपना। हम भोपाल जिले के रहने वाले हैं, ग्राम रुना तहसील बेरस थाना नदीराबाद जिला पाल है। नदीराबाद रुना की दोनों पार्टी है सर। यहाँ हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। यहाँ आप सभी भाइयों की बदौलत से और सभी भाइयों की मदद से हम घर जाने की आप लोगों ने हमारी व्यवस्था की है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया है सर। हमारे माँ बाप है, हमारे बच्चे बच्ची है उधर ही, सबको धन्यवाद।
लॉकडाउन में रांची के समाज सेवियों ने जिस तरह का जज्बा इन बंजारों के प्रति दिखाया है, उससे हमारा सिर भी फख्र से ऊंचा हो जाता है। लॉकडाउन में झारखंड सरकार जितना बेसहारों को सहयोग नहीं कर पाई, उससे कहीं अधिक सामाजिक संस्थाओं के समाज सेवियों ने किया है। मुखर संवाद ऐसे समाज सेवियों को सलाम करता है और कामना करता है कि लोग अपने मानवता का कारवां ऐसे ही बनाए रखेंगे, तभी तो हमें मानव होने पर गर्व होगा। मुखर संवाद के लिए विशु विशाल की रिपोर्ट। कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह। जब सबका सहयोग होगा तो कोरोना हारेगा ही नहीं, बल्कि झारखंड में दम भी तोड़ेगा। मुखर संवाद लड़ेगा आपकी लड़ाई सड़क पर। एक और जहां पूरा देश कोरोना वायरस की कहर से झेल रहा है, वही लोग रहे घरों में, हम रहेंगे आपके लिए सड़कों पे। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदे हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदे हर मैदान फतेह। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM, साई टावर फोर्थ फ्लोर सर्कुलर।